नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमेशा ही ज्योतिष की सर्वश्रेष्ठ जानकारी हम आप लोगों को समय समय पर मुहैया कराते रहते हैं। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं जिस जानकारी का इंतजार प्रभु भक्तों को, भगवान के भक्तों को व ज्योतिष के मानने वालों को हमेशा ही रहता है। 16 अक्टूबर 2020 यानी शुक्रवार का दिन और आश्विन अधिक कृष्ण पक्ष की अमावस इस दिन आ रही है, यानी कि पड़ रही है। ये एक ऐसा दिन होता है अधिक मास, क्योंकि 3 साल में यह एक बार आता है, जब हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार 1 महीने यानी कि 30 दिन पड़ जाते हैं, जो कि 3 साल में होता है। संभव पूर्व के वीडियो में यह संपूर्ण जानकारी हम दे चुके हैं, तब अधिक मास पड़ता है। और इसमें भी पड़ने वाली अमावस को बहुत बड़ी अमावस का दर्जा दिया गया है। जिस तरीके से हम भौमवती अमावस, सोमवती अमावस, शनि अमावस को मानते हैं, तो यह अमावस उससे भी बढ़कर मानी जाती है। विशेष तौर पर अपने बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करने वाली, अपने पितरों के निमित्त इस दिन किए जाने वाले किसी भी प्रकार के दान पुण्य से, जो कि सीधे उन तक पहुंचता है, ऐसा माना जाता है, उनकी आत्मा तृप्त होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि इस भूलोक में या भूत लोक में उनकी आत्मा विराज रही है या भटक रही है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। बहुत बड़ी अमावस इसे माना गया है। आप इस दिन अपना कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। पितृ दोष, ग्रहण दोष, गुरु चांडाल दोष या जन्म कुंडली के अन्य दोषों का समन तो होता ही होता है। साथ ही साथ हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त तो होने के साथ साथ प्रारब्ध में जो कर्मों का भोग, जो कष्ट आदि हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे होते हैं, उनमें भी कमी आती है। इतनी बड़ी अमावस इसे माना गया है। तो इस दिन के लिए शास्त्र में एक से बढ़कर एक उपाय बताए गए हैं। लोग गंगा तटों पर इस दिन स्नान आदि करके अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ आदि तर्पण भी करते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य चीजें यहाँ पर को की जाती हैं गंगा तट पे। विशेष तौर पर गंगा तट का यहाँ पर को महत्व दिया गया है, किंतु इसके अतिरिक्त भी और भी कई उपाय बताए गए हैं, किंतु हम आपके लिए एक अत्यंत सरल उपाय लेके आए। इस उपाय को यदि व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, तो वह अमावस के दिन प्रातः काल नहा धोकर गंगा जल या गोमूत्र से स्नान करने के पश्चात शुद्ध गेहूं का आटा लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल डालकर उसे दूध से गूंथ ले और उसकी 6 रोटी बनाए, और 6 रोटी में एक साइड पे थोड़ा सा शहद और एक साइड पे वह घी लगा ले, और उन 6 रोटी को पहले तो संभव हो सके तो एक एक रोटी अलग अलग गायों को वह दे दे, और वहां पर को अपने पितरों का स्मरण व अपने सभी देवी देवता जिनका जिनको आप मानते हैं, जिनका आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं, उन सभी का स्मरण करके अपने द्वारा किए गए जो भी ज्ञात अज्ञात जो भी बुरे पाप आदि या कोई गलतियां हुई है, उनके लिए क्षमा प्रार्थना और आने वाले भविष्य के लिए शुभता के लिए प्रभु से प्रार्थना कि आने वाला समय हमारा अच्छा रहे और जीवन में कष्ट आदि ना आए। इस तरीके से 6 रोटी आप अलग अलग, मतलब एक एक रोटी 6 रोटी अलग अलग गायों को आपने खिलानी है। ऐसा संभव ना हो तो एक गाय को भी आप 6 की 6 रोटियां खिला सकते हैं। यह तक तो आप स्वयं के लिए करेंगे यहां पर तक। यदि आपको अपने परिवार में अन्य व्यक्तियों के लिए करना है, वैसे तो यह स्वयं के लिए बताया गया है, यदि अन्य व्यक्तियों के लिए करना है तो हर व्यक्ति के निमित्त 6 6 रोटियां इसी तरह से बनेंगी। आप एक साथ भी उनको कूद सकते हैं या अलग अलग भी, हर व्यक्ति के लिए, जितने परिवार में सदस्य हैं उतने के लिए, यानी कि 7 सदस्य आपके परिवार में हैं तो 7 और गुणा 6 7 6 42 रोटी, और 7 सदस्य तो 7 लोगों को द्वारा 7 अलग अलग गायों को। यदि ऐसा नहीं होता है तो एक गाय को भी आप लोग खिला सकते, नहीं तो कम से कम यदि 7 सदस्य परिवार के तो 7 गायों को जरूर चुने, हर गाय को 6 6 रोटी अवश्य दें।
इस तरीके से इस उपाय को बताया गया है। अमावस के दिन प्रातःकाल नहा धोकर गंगा जल गोमूत्र से स्नान आदि शुद्ध होकर शुद्ध आटा लेकर थोड़े तिल थोड़ा सा गुड़ डालकर दूध से उसे गूंथ कर उसकी 6 रोटी बनाकर एक साइड पे घी एक साइड पे उसके शहद लगाकर 6 अलग अलग गायों को एक एक रोटी आप खिला दें। ऐसा संभव ना हो तो एक ही गाय को 6 रोटी आप खिला दें। प्रभु स्मरण करें, अपने पितरों का स्मरण करें। बहुत बड़ी अमावस है, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इतना सरल सिद्ध उपाय है, क्योंकि उपाय जटिल होंगे इस समय पे जिस तरीके की भौतिक परिस्थितियां चल रही है, मंदिर के कपाट आदि सब बंद पड़े हुए हैं, तो उपाय गंगा तट पे भी मनाही है, तो चीजें ऐसी हैं कि कई चीजें विपरीत हैं, तो इस समय पे ऐसे उपाय अत्यंत ही सरल सुलभ और तुरंत फलदायी होते हैं, जिनमें हमें करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। और इनका चमत्कारिक प्रतिफल विगत 3 वर्षों से लगातार आप लोगों को हम जो बता रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने 3 साल में ही आजमाए, जब से हम YouTube के माध्यम से आए तो यहाँ पर लाखों लोग आजमाते हैं हमारे उपाय को। उससे पूर्व चंद लोग आजमाते थे, किंतु वहां पर भी चमत्कारिक प्रतिफल था और यहाँ पर भी चमत्कारिक प्रतिफल है। बस बात है आपके विश्वास की और आप लोगों के आजमाने। यदि आप आजमाते हैं तो समय तो लगता ही है, वृक्ष लगाते हैं फल खाने में समय लगता है, तुरंत ऐसा तो है नहीं कि आज वृक्ष हमने लगाया कल को फल खा लेंगे या एक हफ्ते बाद खा लेंगे, हर चीज की प्रोसेस होती है। तो इन उपायों की भी प्रोसेस है, ये अंदर ही अंदर काम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, और कहीं कहीं पर तो तुरंत ही देखने में आ जाता है, हमारे काम ही सिद्ध हो जाते हैं जिनकी सीमा होती है। अब भाई कोई काम 1 महीने के भीतर होना है तो वो काम 1 महीने के भीतर ही होगा, उपाय करेंगे तो 1 महीने के बाद तो वैसी भी वो उसकी डेट निकल जाती है, तो उपाय ने यहीं पर तक कार्य करना है तो वो वहां पर तक कार्य करेगा। अब कोई कार्य 3 साल में होना है, हम उसके लिए आज से उपाय कर रहे हैं तो 3 साल में वो कभी ना कभी होगा, नहीं तो 3 साल के अंतिम दिन वह अवश्य ही होगा। यदि आप उपाय पे विश्वास करते हैं अपने समय पे सही समय पे वो अपना प्रतिफल आपको अवश्य ही दे देते हैं। तो यह छोटा सा उपाय अवश्य ही आप आजमाएं। हम तो यह कह रहे हैं कि 3 साल में एक बार या अधिक मास आता है और यहां पर भी यह अमावस बहुत बड़ी मानी जाती है। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, पूर्व की जानकारियां भी आप लोगों के पास आती रहेंगी। सब्सक्राइब उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके साथ दबाया गया बेल आइकन का बटन, तो अवश्य ही प्रेस करिए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।